ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के, ये सब एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मेक वर्सेस बाय का है, राइट। ये जो एडवांस लेवल के जो लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या रहता है ना फ्रेंड्स, जब मैंने ये अपना डीकेसी का कंसल्टेंसी वाला पार्ट स्टार्ट किया था, तो इसमें कभी कभी क्या रहता था कि सपोज योर क्लाइंट इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पुराने जमाने का सीए है और वो मैन्युफैक्चरिंग में है, और अभी आपका उससे पाला पड़ गया कि उसने दानी की कॉस्टिंग का बहुत नाम सुना और उसने आपको आपकी हवा निकालने के लिए उसने आपको बुला लिया, राइट। और वो अब आप बोलोगे एक पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको आप क्या समझाओगे करके? आप उसको बोलोगे, वो आपको बोलेगा अच्छा बताओ क्या करें, ये सिचुएशन, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, वो अपनी अपनी करेगा। तो कभी कभी क्या रहता है ना कि फ्रेंड्स, कस्टमर अपनी ही अपनी बोल रहा है बात, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, वो जैसा बोलेगा तो, और उसके बाद जब वो अपनी सब करा लेगा फिर अपने को बोलेगा अच्छा व्हाट इज योर ओपिनियन, एम आई गोइंग राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी का ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 एंड योर पेज नंबर 5.65। क्वेश्चन नंबर 32 एंड योर पेज नंबर 5.65। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 5.65। जीजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स एंड इक्विपमेंट कॉल्ड वाटर प्यूरिफायर, क्या सेल करते हैं? वाटर प्यूरिफायर, राइट। द कॉस्ट डेटा फॉर ईच बैच ऑफ 10 नंबर्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर इज एज फॉलोज। कंपोनेंट्स उसमें लगेंगे ए बी सी डी ई, मशीन आवर्स लगेंगे 20, 28, 24 और लेबर आवर्स लगेंगे आपको 4 और 2। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 64, 108, 116, 24 और 8 एंड फिक्स कॉस्ट अपोर्शनड है आपका 36, 52, 64, 26 और 22। असेंबली कॉस्ट आपका ऑल वेरिएबल है 50 रुपीज पर बैच, सेलिंग प्राइस आपका पर बैच दे रखा है ₹800। लास्ट टाइम जो अपन ने एन वाला जो प्रोडक्ट किया था वहां पे पर यूनिट दे रखा था, लेकिन वो सेल परचेज कर रहा था इन पर बैच में, तो अपन ने वो लिया था। मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी फॉर मेकिंग द कंपोनेंट ए बी एंड सी इज 10,800 एंड इट कैनॉट बी इंक्रीज फर्दर। लेबर इज अवेलेबल फॉर मेकिंग द कंपोनेंट डी एंड ई एंड फॉर असेंबलिंग द प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट इन जनरल में इंक्रीज बाई 10,000। एस्टिमेटेड इंक्रीज इन डिमांड नेक्स्ट ईयर 50%, ओके, एंड द फिक्स कॉस्ट इन जनरल में इंक्रीज बाई 10,000। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी डिसाइडेड टू परचेज वन ऑफ द मशीन मेड कंपोनेंट्स। क्वाइट लिमिटेड इज द ओनली सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट ए बी एंड सी, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज अनेबल टू कोट ए सिंगल प्राइस फिगर। इट्स कोटेशन इज एज फॉलोज। कोटेशन आपको क्या दे रखा है? कंपोनेंट ए बी एंड सी, पेसिमिस्टिक आपको दे रखा है प्राइस 120, 200, 160, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.25, 0.25, 0.25, मोस्ट लाइकली है 110, 130, 140, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.5, 0.5, ऑप्टिमिस्टिक है 80, 140, 120, उसका प्राइस है 0.25, 0.25, 0.25। इट इज एग्रीड बिटवीन द कंपनीज दैट द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन ओवरऑल बेसिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाउंड इन द कोटेशन। यू आर रिक्वायर्ड इंडिकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ की फैक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस दैट कुड बी प्रोड्यूस इफ ईच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स नेमली बाइंग ए पी और सी कंसिडर्ड। एनालाइज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ परचेज एंड एडवाइस विच कंपोनेंट इज टू बी बॉट कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी लिमिटेड टू 50% इंक्रीज। प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट चूजन बाई यू इज बॉट आउट एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मेड एंड सोल्ड। ऊपर से नीचे तक आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे? पहले आप नजर उठा के देखिए, आपको लगेगा हम साथ साथ है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ एंड आप तो आगे निकलने वाले हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, ठीक है।
अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने को क्या क्या दे रखा है। देखो अपने पास प्रोडक्ट है, अपने पास प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड्स बोलो, अपने पास प्रोडक्ट है, अपने पास प्रोडक्ट है ए बी सी एंड डी, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी एंड डी। ओके, मैक्सिमम आपके पास आर्स अवेलेबल है इज ओनली 10,800। ओके, वो आपका क्या हो गया, दिस इज गिवन, गिवन सही है सुना फ्रेंड्स, ये आपका गिवन। मशीन आर्स मैक्सिमम है 10,800 एंड ये आपका होगा लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम अवेलेबल मशीन कैपेसिटी फॉर मेकिंग कंपोनेंट ए बी सी 10,800 एंड इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फर्दर, फर्दर आगे जाके इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, योर सेलिंग प्राइस पर बैच इज 800, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर बैच 800, व्हाट इज योर वेरिएबल प्राइस पर बैच, आपका वेरिएबल प्राइस 64108 116 24 and 8, ओके, एंड प्लस असेंबली का आपका 50, असेंबली का कॉस्ट भी आपको दे रहे थे ना 50 रुपीज पर बैच, इट मींस टोटल 64108 116 24 8 and 50 is 370 800 less 370 is 430, और कंट्रीब्यूशन पर बैच, आपका कंट्रीब्यूशन पर बैच क्या हो जाएगा 430। ओके, नाउ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन इट मींस आर्स अवेलेबल, आर्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय आर्स पर बैच, आर्स पर बैच, आर्स अवेलेबल है हमारे पास 10,800, ओके, और आर्स पर बैच है हमारे पास 20, 28, 24 is 72. It means 10,800 divided by 72. 10,800 divided by 72. आपके पास 150 बैचेज हम बना सकते हैं, 150 बैचेज। ठीक है, अब 150 बैचेज में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट हमारा दे रखा है पर बैच का इज 36 प्लस 52 प्लस 64 प्लस 26 प्लस 22 इंटू 150 बैचेस, 36 52 64 26 22 इंटू 150 इज 30,000, ओके, 30,000 रुपीज। एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड
द कंपनी डिसाइडेड टू परचेज वन ऑफ द मशीन कंपोनेंट। ओके, अब आपका एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द डिमांड नेक्स्ट ईयर इज 50%। अभी आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा था 150, तो प्रपोज्ड आपका जो सेल होगा, प्रपोज्ड डिमांड आपका हो जाएगा, प्रपोज्ड डिमांड विल बी 150 इंटू 150%, इट मींस 150 इंटू 1.5 इज 225 बैचेस, 225 बैचेस, ठीक है, 225 बैचेस। और आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपका ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितना था, से 30 और 10, और आपका टोटल हो जाएगा इज ए 40,000। डिमांड आपका 225 हो जाएगा, ये 40। यहां तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल आपके पास क्या दे रखा है, टोटल मशीन आर्स 10,800, सेलिंग प्राइस पर वेच और वाटर प्यूरिफाई 800, वेरिएबल प्राइस 64,108,116,24,8 and 50, आपका कंट्रीब्यूशन 430। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन आपका हो सकता है आर्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय आर्स 10,800। आर्स आपको तीन में लगते हैं क्योंकि मशीन डिपार्टमेंट आपका क्या है, ए बी एंड सी, बाकी का डी एंड ई इज योर लेबर, इट मींस 72,150 बैचेज। आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, 36,52,64,26,22 into 150, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 30,000। सही है सुनो, रिमाइंड आपका फ्यूचर में फिक्स कॉस्ट आपका होगा 30 + 10 और आपका प्रपोज्ड डिमांड है 225। ये आपका क्या है, गिवन करके आपके पास सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गए। और जब भी आप कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन भी करो फ्रेंड्स, पहले आप गिवन करके लिख लो, उसके बाद देन यू सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड फिर आप जाइए। ये ए प्लस प्लस कैटेगरी के क्वेश्चन चल रहे फ्रेंड्स, दिस इज ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन ए प्लस प्लस कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं ये करके ना। आर यू गेटिंग ऑन फ्रेंड? ओके, अब आपका आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है ओनली 150, आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है 150, आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है 150 जबकि आपका डिमांड है 225, आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है 150 जबकि आपका डिमांड है 225। इसका मतलब आपको शॉर्टेज आने वाली है, तो शॉर्टेज आने वाली है तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ए बी और सी, क्योंकि शॉर्टेज अपने को मशीन डिपार्टमेंट में, तो प्रोडक्ट ए बी और सी हम लोग कहां से ले सकते हैं, वी कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, बराबर। तो उसने क्या बोला है, कोट लिमिटेड इज द ओनली सप्लायर ऑफ कंपोनेंट ए बी एंड सी, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज अनेबल टू कोट द सिंगल फिगर प्राइस, इट्स कोटेशन इज एज फॉलोज, इट इज एग्रीड बिटवीन द कंपनीज दैट द price of each of the component will be determined on an overall basis based on information found on the, इसका मतलब price, और price को आप multiply कर दो optimistic से, pessimistic से या most like, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, और दोनों के बीच में। जो लोग पुराने syllabus से नए syllabus में आए थे उनको याद होगा OR में एक CPM PERT करके एक chapter था, PERT में अपन निकालते थे expected duration, TM plus TP, TO plus 4TM plus TP divided by 6, याद आ रहा है, वही है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप निकालिए एवरेज प्राइस, ओके, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एवरेज price, statement showing average price component A,
बी एंड सी, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, एवरेज, प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्राइस पेसिमिस्टिक इज 120, 200, 160, 110, 130, 140, 80, 140, 120 into probability 0.25, pessimistic 0.25, 0.25, ये सब आपको दे रखा है। 5.66 पे आप जरा देखिए, मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है पेज नंबर 5.66 पे। धीरे धीरे अपन करते हैं क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी 0.5, प्रोबेबिलिटी 0.5, प्रोबेबिलिटी 0.5, देन प्रोबेबिलिटी 0.25, प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी 0.25। It means 120 into 0.25 is 30. 200 into 0.25 is 50. 160 into 0.25 is 40. 110 into 0.5 is 55. 130 into 0.5 is 0.65. 140 into 0.5 is 70. 80 into 0.25 is 20. 140 into 0.25 is 35. 120 into 0.25 is 30. 30, 55, 20 is 105, 50, 65, 35 is 150, 40, 70, 30 is 105, 105, 150 and 140। अगर आप A खरीदेंगे, अगर आप A खरीदेंगे तो आपको प्राइस क्या लगेगा 105, अगर आप बी खरीदेंगे आपको प्राइस लगेगा 150, अगर आप सी खरीदेंगे आपको प्राइस लगेगा 140। सही आंसर। ओके, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो, आपको ये प्राइस लगेगा। सही आंसर। अब आ जाइए फ्रेंड्स, अपने से क्या पूछ रहा है। नंबर वन, इंडिकेट इन द कंटेस्ट ऑफ की फैक्टर, इंडिकेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ की फैक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इफ ईच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स नेमली बाइंग एबीसी इज कंसिडर्ड। ये क्या बोल रहा है कि हम अगर पूरा ए बाहर से ले लें तो वॉट इज द पॉसिबल प्रोडक्शन। अगर आप ए बाहर से ले लेंगे तो आपके पास ए के आर्स बच जाएंगे, अगर आप बी बाहर से लेंगे बी के आर्स बच जाएंगे, अगर आप सी बाहर से लेंगे आपके पास सी के आर्स बच जाएंगे। वो बचाने के बाद व्हाट इज द पॉसिबल प्रोडक्शन, इंडिकेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ की फैक्टर, इंडिकेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ की फैक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इफ ईच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स नेमली बाइंग एबीसी इज कंसिडर्ड। अगर ए बाहर से लिया, बी लिया, सी लिया, इट मींस कैसे करेंगे फ्रेंड्स? दिस इज योर आंसर नंबर वन।
क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग पॉसिबल प्रोडक्शन इफ ए बी सी आर बाइंग, ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है 5.67 पे, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग पॉसिबल प्रोडक्शन इफ ए बी सी आर बाइंग, स्टेटमेंट शोइंग पॉसिबल प्रोडक्शन इफ ए बी सी आर बाइंग, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके, दिस इज योर पॉसिबल प्रोडक्शन। कितने आर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वी हैव 10,800 आर्स, वी हैव 10,800 आर्स, वी हैव 10,800 आर्स, ओके। अब अपन ए बाहर से ले रहे हैं, इसका मतलब ए का टाइम अपने को क्या लगता था 20, 28 and 24, एबीसी का टाइम दे रखा ना, ए बी एंड सी, अब ए बार से ले लिया तो ए का टाइम सेव हो जाएगा, बराबर, ए का टाइम सेव होगा, ओनली अपन को बनाना है बी और सी, 28 plus 24 is 52, 10,800 divided by 52 is 207.69, देन आपका ए बन गया अभी। अब ये बोल रहा है कि भाई बी और बी को बाहर से खरीदेंगे तो बी के आज सेव हो जाएंगे, खाली लगेगा 20 and 24, 20 and 24 is 44, 10,800 divided by 44 is 245.45, and then अब बोल रहा है कि C को आप ले लीजिए, इसका मतलब A और B को ये बनाएंगे, C को बाहर से ले लेंगे तो 20 and 28 is 48, 10,800 divided by 48 is 225 batches, सही है सर, ये इसका मतलब 207.69, 245 and 225 बन सकते हैं फ्रेंड्स। क्या पूछा है उसने, नंबर वन, इंडिकेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ की फैक्टर, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इंडिकेट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ की फैक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस दैट कुड बी प्रोड्यूस इफ ईच ऑफ द थ्री ऑल्टरनेटिव्स नेमली ए और बी और सी इज कंसीडर। अगर ए बाहर से लिया, अगर आपने ए परचेज किया बाहर से, ए अगर आपने ए बाहर से ले लिया तो आपको इतना प्रोडक्शन होगा, अगर आपने बी बाहर से लिया तो ये होगा, अगर आपने सी बाहर से लिया तो आपका ये हो जाएगा, सही है सर, दिस विल बी योर आंसर नंबर वन। अगर आपने ए बाहर से परचेज किया, अगर आपने बी बाहर से परचेज किया, अगर आपने सी बाहर से परचेज किया, ए परचेज किया, बी परचेज किया, सी परचेज किया, तो पॉसिबल प्रोडक्शन 207, 245.45 and 225, सही है सुनो,
ये आपका पॉसिबल प्रोडक्शन हो जाएगा अगर आपने ए बाहर से लिया, अगर आपने बी बाहर से लिया, अगर आपने सी बाहर से लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल प्रोडक्शन। एनालाइज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ परचेज, एनालाइज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ परचेज एंड एडवाइज विच कंपोनेंट इज टू बी बॉट, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी लिमिटेड टू 50% इंक्रीज। अब देखो इसमें जरा ये ध्यान रखना कि हमारा डिमांड कितना है, ये तो आपका क्या हुआ, पॉसिबल प्रोडक्शन, लेकिन डिमांड भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी सपोज ए आपने बाहर से ले लिया बराबर, और हमारी डिमांड कितनी है 225, लेकिन हम प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं 207, तो हम कितना प्रोडक्शन करेंगे 207, हम लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे फ्रेंड्स इज 207.69, कितना प्रोडक्शन करेंगे। अब देखो प्रोडक्शन हो सकता है 245, प्रोडक्शन हो सकता है 220, तो लेकिन हमारा डिमांड कितना है ओनली 225, निकाला था ना डिमांड कितना है अपना, डिमांड इज ओनली 225, डिमांड इज ओनली 225, तो अपने को 225 ही लगेगा, यहां पे हमको 225 लगेगा। हमारा डिमांड है 225, प्रोडक्शन है 207, तो 207 ले लिया। हमारा डिमांड है 225, प्रोडक्शन है 245, तो 225 ले लिया। हमारा सी में ओनली 225। बोलो या सुनो, परफेक्टली क्लियर हो रहा हूं आपको, आइडिया आ रहा है क्लियर है, ओके। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आगे, एनालाइज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ परचेज एंड एडवाइज विच कंपोनेंट इज टू बी बॉट, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी लिमिटेड टू 50% इंक्रीज। इसका मतलब अगर हमारा डिमांड 50% इंक्रीज हो जाता है, राइट, हमारा डिमांड अगर ये है, ओके, और अगर हम ए को बाहर से लेते, बी को लेते, तो वॉट इज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 430, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 430। अब अगर आप ए को बाहर से लेते हो तो उतना आपका परचेज कॉस्ट लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका सेव हो जाएगा, बाकी का रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन आपको आ जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज योर आंसर नंबर टू। आंसर नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ए बी सी कॉन्ट्रीब्यूशन पर बैच, ये आपका ओल्ड था 430। अब आप बोलो कि भाई मैं ए को क्या करूंगा, परचेज करूंगा, तो जब आप ए को परचेज करोगे तो ए का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सेव हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा सेव, वो नहीं लगेगा आपको, राइट, और परचेज कॉस्ट आपका माइनस हो जाएगा, परचेज कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। भाई आपका 430 का आपको कंट्रीब्यूशन हो रहा था, आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था 430 रुपीज का, आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था 430 रुपीज का, पर आप बोलते हो कि नहीं भाई हमको अब ए को क्या करना है, हमको ए को परचेज करना है,
ए को परचेज करना है, तो ए का अगर परचेज करोगे तो ए का आपको पे करना पड़ेगा, परचेज का कितना कॉस्ट है 105, ये आपको पे करना पड़ेगा। बी के केस में आपको पे करना पड़ेगा 150, आपको बी के केस में पे करना पड़ेगा 150, और सी के केस में आपको पे करना पड़ेगा 140। लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 64108 64108 and 116, इट मींस 430 430 plus 64 less 105, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 389। 430 minus 150 add 108 388, and 430 plus 116 minus 140, आपको क्या आएगा 406। सही है सुनो फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाई आपका डिमांड, मल्टीप्लाई बाई डिमांड, राइट, व्हाट इज योर डिमांड, अब आपका डिमांड तो था 225, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारा प्रोडक्शन है ओनली 207 बैचेस, फ्रैक्शन में तो नहीं ले सकते, राइट, यहाँ पे आपका है 225 और यहाँ पे आपका है 225, ₹385,000 into 207, 80,523, 388 into 225, 406 into 225, इसका मतलब बेस्ट प्रॉफिट आपको कहां पर होगा, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, आपको सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 91,350, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 91,350, सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट वो कहाँ पे हो रहा है, 91,350, सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 91,350। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स अपने से, देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनालाइज द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑन परचेज ऑफ परचेज एंड एडवाइस विच कंपोनेंट इज टू बी बॉट कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी लिमिटेड टू ओनली, इसका मतलब फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, अगर हम ये लेते हैं बाहर से तो हमको क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हम ये बाहर से लेते हैं, अगर हम लोग ये बाहर से लेते हैं तो हमको क्या आएगा, अगर हम ये बाहर से लेते हैं तो हमको क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें क्या आएगा, हमें आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हम ये बाहर से लेते हैं तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। तो अपने से क्या पूछ रहा है थर्ड फ्रेंड्स, देखो जरा, Prepare a profit, profit statement for the period assuming that the component chosen by you is bought out and extra production is made and sold. हमें कितने का होएगा? ये हमारा contribution आ जाएगा, less fixed cost, आपका profit and loss हो जाएगा. It means, next आप आ जाइए, answer number 3. Statement showing analysis of profit and loss. Statement showing analysis of profit and loss. कॉन्ट्रीब्यूशन 91,350 जो अपन ने निकाला था, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000 और ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस 91,350 माइनस
40,000 is 51,350. ये तो हो गया फ्रेंड्स, इन्होंने जो क्वेश्चंस अपने से पूछे थे, जो भी अपना जो क्लाइंट है, क्लाइंट है अपने से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, वो हम लोगों ने क्लाइंट को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब अपने से अगर सपोज मैं आपसे पूछता हूं आर यू हैप्पी विद दिस कैलकुलेशन, क्योंकि हमने इसमें कुछ अपना अपना ओपिनियन नहीं दिया है, डीकेसी का ओपिनियन हम लोगों ने नहीं दिया, डीकेसी का ओपिनियन हम लोगों ने इसमें नहीं दिया है। उसने बोला ए को परचेज करूं, बी को करूं, सी, वो अपने ही बोल रहे करके। अगर वो हमको बोलता है आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कैलकुलेशन, इज दिस 91,350 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या 51,350 जो आपका प्रॉफिट आ रहा है ये कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट है क्या, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, तो देखो अपन कैसे लेते थे डिसीजन, अपन का तो एकदम सिस्टमेटिक है। अपन कैसे लेते थे कि भाई तीन एबीसी में से अपन को पहले देखना पड़ेगा, रैंकिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्लान करेंगे, फिर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर हम उसको बता पाएंगे कि सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखो चलें, ये एक्स्ट्रा फॉर लाइब्रेरी लिखा है मैंने, एक्स्ट्रा फॉर लाइब्रेरी, एग्जाम में आपको नहीं करना है ये लाइब्रेरी में आपको करना है ताकि लोगों को समझ में आए कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट, एक्स्ट्रा है ये। आपका क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया, क्या है, इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर रैंक फॉर प्रोडक्शन। अब आप देखिए दिस इज योर ए बी सी, व्हाट इज योर परचेज प्राइस, आपका परचेज प्राइस है 105, आपका परचेज प्राइस है 105, 150, 140, आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है 64,108 and 116। आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखो जरा ए बी और सी, वेरिएबल कॉस्ट 64,108, 116, 64,108, 116। अगर इनको परचेज करते हैं तो अपन ने एवरेज परचेज प्राइस निकाला था 105, 150 and 140। तो लॉस ऑन परचेज इट मीन 105 - 64 इज 41 rupees, देन 150 - 108 इज 42, 140 - 116 इज 24, डिवाइडेड बाई आर्स पर बैच, डिवाइडेड बाई आर्स पर बैच 20, 28 and 24, then लॉस पर आर 41 divided by 20, 2.05, 42 divided by 28, 1.5, 24 divided by 24 is 1। इट मीन्स रैंक फॉर प्रोडक्शन पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे। ये हमारा वाला जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी साइंटिफिक कंसेप्ट, ये जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत साइंटिफिक है, राइट, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट
पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन। अगर परचेज करते हैं ए तो 105, 150, 140। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट आपका ये है। लॉस ऑन परचेज आपको रहेगा 41, 42 एंड 24। ये आपका लॉस ऑन परचेज हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर्स, आपको लॉस पर आर और आपका रैंक आ जाएगा। पहले आप ये बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर आप ये बनाइए, बराबर। उसके बाद हम क्या करते थे, हमारा बहुत साइंटिफिक है, इट मींस स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेप नंबर टू एंड दिस इज स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान। ये आपके पास आर्स है, ये आपका प्रोडक्ट्स है, ये यूनिट्स है, ये आर्स पर यूनिट है, ये टोटल है और ये बैलेंस है। टोटल आर्स अवेलेबल टू यू 10,800 और आपका नया डिमांड होने वाला है 225। तो पहले हम बनाएंगे ए, ए को 225 बैचेस, ये यूनिट्स मींस नंबर ऑफ बैचेज है, ओके 225। एक को बनाने में 20 आर्स, इट मींस 225 इंटू 20 आर्स, हमारे आर्स गए 4,500, इट मींस 10,800 माइनस 4,500, 10,800 माइनस 4,500 इज 6,300। अब हम बनाएंगे बी, बी के 225 बैचेस और एक बैच को बनाने में, बी को बनाने में 28 आवर्स, इट मींस 225 इंटू 28 इज 6,300, सो दिस इज 6,300। बाकी का हम क्या करेंगे, वी विल परचेज, क्या परचेज करेंगे, सी 225 बैचेस हम लोग बना रहे हैं, कितना जीरो बैच, 225 हम लोग बना रहे हैं जीरो, इट मींस 225 हम लोग क्या कर लेंगे, बैचेस परचेज कर लेंगे, 225 बैचेज हम लोग परचेज कर लेंगे। जब 225 बैचेज हम लोग परचेज करेंगे किसका, सी का, तो सी के ऊपर हमको जो एडिशनल कॉस्ट है परचेज करने का वो पे करना पड़ेगा, इट मींस आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर स्टेप नंबर थ्री एंड स्टेटमेंट showing analysis of profit and loss, आपका contribution कितना आ जाएगा friends, contribution 430। ये 430 contribution कब होगा आपको, when everything you are producing your own, जब आप अपने आप से खुद से बना रहे हैं तो 430 contribution होगा, into 225 batches आपका contribution हो जाएगा 430 into 225 is 96,750 minus आपका fixed cost, fixed cost कितना हो जाएगा is 40,000 and minus your additional purchase cost, additional purchase cost of C, C, C का हमने manufacturing cost ले लिया है तभी तो हमको 430 आया, 430 में हमने सी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लिया है। लेटर ऑन वी केम टू नो कि भाई हम बना नहीं पाएंगे, जब बना नहीं पाएंगे तो 116 सेव हो जाएगा, 140 पे करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, 24 रुपीज, तो 24 इंटू 225, इट मींस 24 इंटू 225 इज 5,400, तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, दिस इज योर नेट प्रॉफिट विल बी 96,750 माइनस 40,000 माइनस 5,400 51,350। वही आपको प्रॉफिट पहले भी आ रहा था, क्योंकि 51,350 आपको पहले प्रॉफिट आ रहा था, क्यों, क्योंकि एवरीथिंग हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि सी वी विल परचेज फ्रॉम आउटसाइड, सी हम लोग बाहर से ले रहे हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग सी को बाहर से ले रहे हैं, बराबर। इसके लिए हमारा प्रॉफिट क्या रहा है, सेम। लेकिन हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो एकदम लॉजिकल आंसर है। उन लोग का आंसर इतना लॉजिकल नहीं है, हमारा जो आंसर है वो बहुत ही लॉजिकल आंसर है। तो आप जरा समझ लीजिए, सही है सौरभ, एकदम आराम से एक एक पॉइंट को आप समझिए, रिवाइज करिए, सब प्रिंट करके मैंने आपको दे रखा है, ओके। तो आपका काम हो जाए। ऑलराइट, सेम कॉन्सेप्ट पर यू जस्ट टेक योर क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 5.68। क्वेश्चन नंबर 33 एंड पेज नंबर 5.68। राइट फ्रेंड्स, ए कंपनी प्रोड्यूसेज एंड सेल्स 4 टाइप्स ऑफ डॉल फॉर चिल्ड्रंस। ए कंपनी प्रोड्यूसेज 4 टाइप ऑफ डॉल्स फॉर चिल्ड्रन। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज ए सेल a set of dress kit for the dolls. The company has worked out the following estimate for the year, next year. Doll ABCD dress kit, estimated demand hai apne paas, standard material cost hai, standard labor cost hai, estimated sales price hai per unit. To encourage the sales of dress kit, a discount of 20% on its price is offered if it were to be परचेज अलोंग विद द डॉल। अगर आप डॉल खरीदते हो और डॉल के साथ अगर आप ड्रेस किट लेते हो तो देन देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द कस्टमर बाइंग द डॉल्स विल ऑल्सो बाय द ड्रेस किट। मतलब जो कस्टमर डॉल ले रहे हैं वो लोग ड्रेस किट भी लेंगे। द कंपनीज फैक्ट्री हैज ए इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2 लाख लेबर आवर्स पर एनम ऑन ए सिंगल शिफ्ट बेसिस and it produces all the products on that basis. The labor cost is 15 rupees, overtime is to be paid at double the normal rate. Variable costs work out to 40% of the labor cost, fixed cost 30 lakhs per annum. There will be no inventory at the end of the year. You are to draw a conservative estimate of profitability. देखो, पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल वाला पार्ट करा देता हूं। आपके पास ए बी सी डी डॉल है, आपके पास ड्रेस किट है, उसको आप डिस्काउंट के साथ बेचिए, ड्रेस किट है उसको विदाउट डिस्काउंट के साथ सेल करिए, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। आपको प्रॉब्लम कहां पे आएगी, इन कैलकुलेशन ऑफ ओवरटाइम। तो पहले उतना कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इट मीन्स स्टेटमेंट showing analysis of profit and loss. Statement showing analysis of profit and loss products units contribution per unit refer note number 1 total contribution A B C D then dress kit with discount and dress kit without discount.
सही है। चलो फ्रेंड्स अब आ जाइए यूनिट्स। आप एस्टिमेटेड डिमांड आपको दे रखा है डॉल ए का 50,000, डॉल बी का 40,000, डॉल सी का 35,000, डॉल डी का 30,000। और ये सारे के सारे लोग आपसे ड्रेस किट भी लेंगे। जो लोग डॉल परचेज कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, इट मींस 50,000, 40,000, 1,55,000 लोग हैं जो आपसे ड्रेस किट भी लेंगे। उनको आपको 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा और बाकी के 45 आपसे ड्रेस किट नहीं लेंगे। मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको क्या आ जाएगा, टोटल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट लेस ओवर टाइम कॉस्ट, उसके लिए यू रिफर नोट नंबर 2। ओके, और बाद में आपको आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब माइनस करने के बाद। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 30 लाख। सही है। सुनो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, 30 लाख। परफेक्टली क्लियर है। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कस्टमर हम लोगों से डॉल परचेज कर रहे हैं, डॉल परचेज कर रहे हैं ए बी सी डी, ओके, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 35 प्लस 30, इट मीन्स 155। तो 155 को वी विल गिव द 20% डिस्काउंट, 155 को विल गिव द 20% डिस्काउंट, और इसको हम डिस्काउंट नहीं देंगे करके ना, जो लोग वो नहीं ले रहे हैं उनको हम डिस्काउंट नहीं देंगे। एंड दिस कम्स टू 45,000। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, पहला योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट वो निकाल लेते हैं हम लोग। दिस इज योर नोट नंबर 1 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, ए बी सी डी ड्रेस किट विद डिस्काउंट, ड्रेस किट विदाउट डिस्काउंट। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60, 80, 100, 120 and 50. 60, 80, 100,
120 और विद डिस्काउंट वाले को 20% डिस्काउंट है, 50 का 80%, 40 एंड 50। सही है, सुनो, देन योर वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, मटेरियल 20, 25, 32, 50, 15 and 15. Then labor cost is 15, 15, 18, 20, 5 and 5. Alright, then variable overhead, 40% of labor cost, 40% of direct labor, it means 6, 6, 7.2, 8, 2 and 2. ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 19, 80, 20, 5, 15, 6, 34, 100, 32, 18, 20, 15, 20, 8, 42, 40, 15, 5, 2, 28. 19, 34, 42.8, 42, 18 and 28. ये आपका क्या हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ए बी सी एंड डी, इनमें तो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लिया, यहाँ पे आपको डिस्काउंट देना है। और जो लोग आपका डॉल खरीद रहे हैं वो सब लोग आपका ड्रेस किट भी लेंगे, और ये विदाउट ड्रेस किट वाले, इट मीन्स 1934, 42.8, 42 आप ले लीजिए यहाँ पे, इट मीन्स 19, 34, 42.8, 42, 18, 28. 50,000 into 19. 9,50,000 rupees. Say yes or no, friends. Then 40,000 into 34, 13,60,000. 35,000 into 42.8, 14,98,000. Then 30,000 into 42, 12,60,000. 155 into 18, 2790.
and 45,000 into 28 is 12,60,000. 950, 1360, 1498, 1260, 2790, 1260, 91,18,000. ये आपको क्लियर होगा कि बताइए आप प्लीज. ये आपके पास प्रोडक्ट ए उसकी यूनिट्स, ये आपके पास बी उसकी यूनिट्स, ए सी उसकी यूनिट्स, ये डी इसकी यूनिट्स. और ये सारे लोग जो लोग डॉल खरीद रहे हैं वो आपका ड्रेस किट भी खरीदेंगे. तो इसका जो टोटल है, ये चारों डॉल का टोटल है 155. ड्रेस किट विदाउट डिस्काउंट 45. फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन. ए बी सी डी ड्रेस किट विद डिस्काउंट, ड्रेस किट विदाउट डिस्काउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 2, 3, 4, 5. अब आ जाइए, मल्टीप्लाई किया, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. ये टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट. अब आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, जहाँ से आपको पता चलेगा एग्जामिनर को यू आर फ्रॉम दानकी कॉस्टिंग, इज ए ओवर टाइम कैलकुलेशन. इट्स ए ओवर टाइम कैलकुलेशन. उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि यू रिफर योर नोट नंबर 2. ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए यू रिफर योर नोट नंबर 2. स्टेटमेंट शोइंग ओवर टाइम आर कॉस्ट, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग overtime hours required. Overtime hours required. ये आपका हो जाएगा नोट नंबर 2. स्टेटमेंट शोइंग ओवर टाइम आवर्स रिक्वायर्ड, नोट नंबर 2. प्रोडक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई 15 इंटू यूनिट्स टोटल लेबर आवर्स. सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मीन्स अपने पास प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी एंड ड्रेस किट. ओके, लेबर कॉस्ट पर यूनिट अपने को दे रखा है 15, 15, 18, 15, 15, 18, 20 and 5. 15, 15, 18, 20, 5. सही है सर. डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, यूनिट्स है हमारे पास 50,000, 40,000, 50,000, 45,000, 30,000 and 2 lakhs. Total hours. It means 15 divided by 15
is 50,000 hours, then 40,000 hours, 18 divided by 15 into 35, 42,000 hours, 20 divided by 15 into 30,000 is 40,000 hours, y divided by 15 into 2 lakhs is 6666. 66666.67. It means 50,000 plus 40,000 plus 42 plus 40 plus 66666. 2,38,666.67. Okay, then hours available is 2 lakhs, and then there is a shortage minus 2 lakhs is 38,666.67. अब ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ था? 38,666.67. इट मींस आपको ओवर टाइम लेना पड़ेगा 38,666.67 इंटू 15, 38,666.15, एंड दिस कम्स टू 5,80,000, क्योंकि 2,38,667 हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट ले लिया है, राइट? हम लोगों ने सारी यूनिट का पर यूनिट कॉस्ट ले लिया है, बराबर। पर यूनिट का मतलब यह है कि हमको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो बना लेंगे, लेटर ऑन वी केम टू नो कि भाई हम नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो 2,38,666 ये कॉस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। मैं आपको वेरीफाई करके भी बताता हूं, ओके? पहले आप यहां पे आ जाइए, दिस कम्स टू 5,80,000, सो 9,118 माइनस 30 लैक्स माइनस 5,80,000 55,38,000। सही है, सुनो। अब काफी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर ये आपने 30 के हिसाब से क्यों नहीं लिया। देखो आप जरा समझो, इट मीन्स हमको टोटल, दिस इज योर, ये आपका एक्सप्लेनेशन है एंड ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है पेज नंबर 5.70 पे। आपको 5.70 पे दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। आपके पास टोटल आर्स कितने हैं? 2,38,666.67 आर्स का आपको पेमेंट करना है, बराबर। अब जरा समझ लो आप, ठीक है, इतने से 2 लाख का आपको पे करना है एट द रेट ऑफ 15, इट मीन्स
2 lakhs into 15 is 30 lakhs एंड आपका ओवरटाइम ओवरटाइम आपका हो जाएगा 38666.67 इंटू 15 38666.67 इंटू 15 इज 5,80,000 38666 ओके या फिर इसको आप ऐसे ले लीजिए इंटू 30 क्योंकि ये तो आपको नॉर्मल पे करना है 38666.67 इंटू 30 आपको पे करना है 11,60,000 इसका मतलब टोटल आपको पेमेंट करना है टोटल पेमेंट आपका हो गया 30 लैक्स प्लस 11,60,000 30 प्लस 11.6 इज 4160 आपके पास आपने क्या क्या कंसीडर कर लिया था ए ए बी सी डी ड्रेस किट ओके 50,000 यूनिट्स देन 40,000 यूनिट्स देन 35,000 यूनिट्स देन 30,000 यूनिट्स देन 2 lakh units into what is the labor का cost per unit आपका labor cost per unit क्या था friends is 15 15 18 15 15 18 20 and 5 It means 50,000 into 15 is 7,50,000. 40,000 into 15 is 6 lakhs. 35,000 into 80 is 28 lakhs. 30,000 into 20 is 6 lakhs and 2 lakhs into 5 is 10 lakhs 7,50,000 प्लस 6 lakhs प्लस 35,000 into 18 is 6,30,000 6 lakhs 7,50,600 6,30,600 35,80,000 देखिए आप जरा समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं टोटल आपके जो आर्स वर्कड हुए वो कितने हुए हैं 2,38,666.67 आपके जो टोटल आर्स वर्कड हुए हैं वो हुए हैं 2,38,666.67 उसमें 2 lakh hours at the rate of 15 आपके 30 lakhs rupees आपको नॉर्मल पे करना है
और 38666 इंटू 30 इट मीन्स 11, इट मीन्स आपको टोटल पे करना है 30 लैक्स प्लस 11,60,000 इज 41,60,000 आपको टोटल पे करना है। आपको टोटल कितना पे करना है इज 14,60,000। अब देखो मैंने ऑलरेडी ले लिया यहां पे, आपको पर यूनिट में लिया ना फ्रेंड्स, देखो जरा मैंने आपका पर यूनिट कॉस्ट यहां पे क्या ले लिया था, जस्ट यू सी यहां पे मैंने आपका पर यूनिट कॉस्ट ले लिया था लेबर 15, 18, 25 एंड 5, ये मैंने आपका पर यूनिट कॉस्ट ले लिया बराबर, ये पर यूनिट कॉस्ट और किससे मल्टीप्लाई कर दिया था यूनिट्स के साथ। इसका मतलब इन ओरिजिनल स्टेटमेंट आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस कॉस्ट, ये मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट में ले लिया, ओरिजिनल स्टेटमेंट में मेरा कॉस्ट कितना आ गया क्योंकि मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई किया है 35,80,000, मुझे पे कितना करना है 41,60 माइनस 35,80, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5,80,000, ये आपका क्या हो जाएगा ओवर टाइम कॉस्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ऑलरेडी ले लिया है। अब मुझे एक्स्ट्रा कितना लेना है 580, तो एक्स्ट्रा 580 ये हो जाएगा। बच्चे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, दे टेक 30 रुपीज इंस्टेड ऑफ 50, 50 नहीं आएगा बिकॉज 2,38,666, देखो 2,38,666.67 इंटू 15 रुपीज आई हैव ऑलरेडी टेकन, 2,38,666.15 आई हैव ऑलरेडी टेकन इज 35,80, सही है सुनो 35,80, आर यू गेटिंग ऑन? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका पॉइंट था करके ना, ओवर टाइम कॉस्ट आप कैसे लेंगे, दिस आई हैव ऑलरेडी टेकन 2,38,667 इंटू 15 आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इन माई ओरिजिनल स्टेटमेंट, मेरे पास बैलेंस क्या बचा ओनली 38,666.67 इंटू 15, ये मेरा बचा करे। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना, सही है सुनो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर और नॉट, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अब सिमिलर टाइप में आप जरा देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 एंड पेज नंबर 5.70, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 5.70, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 5.70। के लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ए रेंज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, के लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ए रेंज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल ऑफ एन एडवर्टीजमेंट कंपनी विच वुड कॉस्ट द कंपनी 3,00,000 रुपीज, आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रुपीज 3,00,000 लगेगा, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज पुट फॉरवर्ड द टू ऑल्टरनेटिव सेल्स बजट फॉर द कमिंग ईयर, प्रोडक्ट्स ए बी सी डी अपने को बजट 1 विदाउट एड अपना सेल हो सकता है 2,16,000, 3,36,000, 3,12,000, 1,80,000 बिकॉज ऑल द यूनिट्स आर इन 1,000, बजट 2 विद एड 2,40,000, 3,72,000, 3,42,000, 1,98,000, सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर बजटेड एज फॉलोज, ए बी सी डी, सेलिंग प्राइस 11.94, 14.34, 27.54, 23.94, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, डायरेक्ट लेबर आपके पास है, वेरिएबल ओवरहेड है आपके पास, अदर डाटा, वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 1,20 रुपीज पर मशीन आवर, फिक्स्ड ओवरहेड 30,84,000, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 8,15,000 मशीन आवर्स, प्रोडक्ट ए एंड सी कुड बी बॉट एट द रेट ऑफ 10.6824 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड, डिटरमाइन वेदर इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग इज वर्थ वाइल, एक्सप्लेन योर अजम्पशन एंड रीजनिंग बिहाइंड योर आंसर। इसका मतलब अगर हम लोग 3,00,000 रुपीज खर्चा करते हैं
तो हमारा बजट 2 एप्लीकेबल होगा, 3 लाख नहीं करते हैं तो हमको बजट 1 एप्लीकेबल होगा। हमको ये देखना है कि हमको 3 लाख रुपीज, हमको ये देखना है हमें 3 लाख रुपीज खर्चा करना चाहिए, 3 लाख रुपीज का खर्चा करना चाहिए या 3 लाख रुपीज का खर्चा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कैसे, सेल्स विद एड माइनस सेल्स विदाउट एड, आपको इंक्रीमेंटल सेल्स मिलेगा उसको कंट्रीब्यूशन करो, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। दैट टोटल कंट्रीब्यूशन यू कंपेयर विद, दैट टोटल कंट्रीब्यूशन यू कंपेयर विद ओनली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपका ओल्ड सेल्स में ही बजट 1 में निकल जाएगा। एंड देन आपको प्रॉब्लम कहां पे आएगी, एडिशनल परचेज कॉस्ट में, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो पहला आप देखिए जरा कैसे करेंगे फ्रेंड्स। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल प्रोडक्ट्स सेल्स विद एड माइनस सेल्स विदाउट एड इंक्रीमेंटल सेल्स इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड दिस इज योर इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। हमको क्या डिसीजन लेना है, हमको ये डिसीजन लेना है कि एड करने से हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट है अपने पास, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, अगर हम एड करते, अगर हम एड करते तो हमारा सेल क्या होगा, 2 लाख 40, देन हमारा सेल होगा 3 लाख 72, देन हमारा सेल होगा 3 लाख 42, देन हमारा सेल होगा 198। ठीक है, सेल्स विदाउट एड 2 लाख 16, देन 3 लाख 36, then 3 लाख 12, then 1 लाख 80, आपका इंक्रीमेंटल सेल्स क्या हो जाएगा इज देखिए 240 माइनस 216, 24,000, 372 माइनस 336, 36,000, 342 माइनस 312, 30,000, 198 माइनस 180 is 18,000। सही है, सुनो आपका इंक्रीमेंटल सेल्स हो जाएगा 24,000, 36,000, 30,000 एंड 18,000। अगर मैं ऐड करता हूं, अगर मैं 3 लाख खर्चा करता हूं तो मेरा ये सेल होगा, बराबर। अगर मैं खर्चा नहीं करता हूं तो मेरा ये सेल होगा, तो व्हाट इज माय इंक्रीमेंटल सेल्स, मेरा इंक्रीमेंटल सेल्स हो जाएगा ये, मेरा इंक्रीमेंटल सेल्स हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सो यू रिफर नोट नंबर 1, मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐड नहीं करता हूं तो ये सेल होगा, अगर मैं ऐड करता हूं तो ये सेल होगा। व्हाट इज माय इंक्रीमेंटल सेल्स, माय इंक्रीमेंटल सेल्स इज दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ओनली रिलेवेंट टू एड, देन माय एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज रुपीज 3 लाख। लेकिन इतना आसान नहीं है,
अपने को प्रॉब्लम आएगा कहाँ पे, परचेस कॉस्ट में करके ना, ठीक है वो देख लेंगे अपन करके। पहले आप यही बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, अगर मैं 3 लाख रुपए खर्च करता हूं तो मेरा सेल्स ये बढ़ जाएगा 24, 36, 30 एंड 80। मुझे ये देखना है कि, मुझे ये नहीं देखना बिजनेस करना है कि नहीं करना, मुझे ये देखना है कि ऐड करना है कि नहीं करना, मुझे ऐड करना चाहिए या ऐड नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा 3 लाख रुपया खर्चा होगा, अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा ये सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर लूंगा, प्रॉफिट हुआ तो मैं जाऊंगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर हो नोट। अब बताइए आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताइए आप प्लीज, परफेक्टली आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ए बी सी एंड डी। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 11.94, 14.34, 27.54 एंड 23.94, दिस इज योर A. Then variable cost, variable cost variable cost direct material, direct labor, वेरिएबल ओवर है 5.04, 6.60, 15.24 एंड 12.48, देन 2.04, then 3.36, 3.18, 0.72, 0.72, 1.2, 1.08, ये आपका हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5.04, 2.04, 0.72 is 7.8, 6.6, 2.04, 0.72 is 19.8, 12.48, 3.18, 1.08, 1.08 is 16.74. See, yes or no? And then contribution, it means this is your A, this is your B, and this is your A minus B is C, C for contribution, 11.94 minus 7.8 is 4.14, 14.34 minus 9.36, 4.98,
27.54 माइनस 19.8 7.74 23.94 माइनस 16.74 इज 7.2 4.14 4.98 7.74 एंड 7.2 सही है सुनो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी आप, इट मींस योर 4.14 4.98 7.74 एंड 7.2 इट मींस 24,000 इंटू 4.14 99,360 36,000 इंटू 4.98 179,280 30,000 इंटू 7.74 232,200 18,000 इंटू 7.2 129,600 99,360 179,280 232,200 129,600 640 यहां तक आपको क्लियर हुआ बोलो। मेरे को ये डिसीजन लेना है अपने से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर इन्वेस्टमेंट इन द एडवर्टीजमेंट कंपनी इज वर्थ वाइल, इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है, वो वर्थ है या नहीं है। कि पहला हमारा क्या हो गया कि भाई ये हमारा सेल हो रहा है अगर हम एडवर्टीजमेंट करते, अगर नहीं करते तो ये सेल हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट मेरा इंक्रीमेंटल सेल्स क्या होगा, ये होगा, और हर यूनिट पे मुझे कंट्रीब्यूशन ये आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये कंट्रीब्यूशन हो गया, ये 640 आ गया और 3 लाख रुपया मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर मैंने ऐड किया और सेल्स के यूनिट्स आगे, तो वेदर मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, तो इन दैट सिचुएशन आई हैव टू परचेज प्रोडक्ट ए और सी फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। जब मैं आउटसाइड सप्लायर से पे खरीदूंगा तो मुझे एडिशनल परचेज कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट तो मैंने ले लिया है, मुझे एडिशनल परचेज कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो देखो जरा अभी क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, परचेज कॉस्ट, दिस इज योर नोट नंबर 2। दिस इज योर परचेज कॉस्ट, एडिशनल परचेज कॉस्ट आपको कितना लगेगा। देखो पहला है आपका प्रोडक्ट्स वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट डिवाइडेड बाय 1.2, तो अपने को क्या आ जाएंगे, आवर्स पर यूनिट, सेल्स विद एड, और ये आपका हो जाएगा टोटल आवर्स। सही है सुनो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी, वेरिएबल ओवरहेड अपने को दे रखा है 1.08 डिवाइडेड बाय 1.2
1.2, it means 0.6 hours, 0.6 hours, 1.9 into सेल्स विद एड, दिस इज योर, ये सारा सॉल्यूशन आपको एवरीथिंग दे रखा है पेज नंबर 5.71 पे, 5.71 पे आपको दे रखा है इनटू यूनिट्स 240,000, 372,000, 342,000 and 198,000. It means 240 into 0.6 is 144. 372 into 0.6, 223, 200, 342. Is 342, 198 into 0.9, 178,200, 144, 223.2, 342, 178.2, 887, 400 hours हमारे आ रहे हैं. हमारे आर्स आ रहे हैं 887,400. परचेज कॉस्ट आपको एडिशनल कितना लगेगा वो आपको जरा देखना है. बराबर, हमारे पास आर्स अवेलेबल है, हमारे पास आर्स अवेलेबल है 8,15,000. तो एक्स्ट्रा आर्स हमको चाहिए, एक्स्ट्रा आर्स हमको चाहिए, या अपन इसको शॉर्टेज भी बोल सकते हैं. मेरे को शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज 815 इज 72,400. सही है, सुनो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं. हम एड में अगर जाते हैं, अगर हम ऐड करके सेल करते हैं तो हमको शॉर्टेज आएगी. कितनी शॉर्टेज आएगी? 72,400 आर्स की. हमें कितनी शॉर्टेज आएगी? 72,400 की. इसका मतलब हम लोग डिमांड को पूरा नहीं कर सकते. नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ए और सी हम लोग बाहर से खरीद सकते हैं. अब बाहर से खरीदने के लिए, बाहर से खरीदने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपन कैसे लेते थे डिसीजन? स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन. इट मींस कौन सा खरीदेंगे ए और सी में से? इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर एंड रैंक. स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट पर आवर एंड रैंक. कौन कौन से प्रोडक्ट ने अपने पास? ए एंड सी. व्हाट इज द परचेज प्राइस? योर परचेज प्राइस इज 10.68 and 24. Then what is the manufacturing cost variable? What is the manufacturing cost variable is A ka 7.8 and C ka 19.8. This is your loss on purchase per unit 10
10.68 माइनस 7.8 इज 2.88, ये आपको लॉस होगा। एंड 24 माइनस 19.8 इज 4.2 लॉस, ये होगा डिवाइडेड बाय आर्स पर यूनिट, डिवाइडेड बाय आर्स पर यूनिट। व्हाट आर द आर्स इज रिक्वायर्ड? 0.6 and 1. This is your loss on purchase per hour will be 2.88 divided by 0.6 is 4.8 and 4.2. इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको प्रोडक्शन करेंगे, इसको परचेज करेंगे। जिसमें ज्यादा हमको लॉस है उसको तो हम खुद बना लेंगे, और जिसमें कम लॉस है उसको हम परचेज करेंगे। सही है सर। दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट ए सी। दिस इज योर परचेज प्राइस। दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका लॉस ऑन परचेज पर यूनिट, आर्स पर यूनिट। दिस इज योर लॉस पर आर, जिसमें ज्यादा लॉस था उसको हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर कर लिया, तो हमारा लॉस सेव हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, परचेज कर देंगे। अब हमारे पास कितने आर्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, 72,400, और इसके एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। इसका मतलब वी विल परचेज, सो If we purchase 72,400 units of C, then we can save 72,400 into 1 is 72,400 hours. अगर मैं 72,400 यूनिट्स ऑफ सी की, अगर 72,400 यूनिट्स ऑफ सी की अगर मैं बाहर से ले लेता हूं, तो मैं कितने आर सेव कर दूंगा, आई विल सेव 72,400 hours। सही है, सुनो। अब 72,400 यूनिट्स, अब ध्यान रखना, ये कॉस्ट वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड इन ओरिजिनल स्टेटमेंट, ये हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट में कंसीडर कर लिया है। तब हमको क्या लग रहा था कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, लेटर ऑन वी रियलाइज कि नहीं भाई हमसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं ले होगा क्योंकि हमारे पास आर्स नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया, तो ये लॉस ऑन परचेज पर यूनिट आपका आ गया 4.2। इट मीन्स 72,400 × 4.2 इज 3,04,080, ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल परचेज कॉस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल परचेज कॉस्ट 3,04,080। इट मीन्स 6,40,440 − 3,04,080 36,360 का अपने को क्या होगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ये अपने को क्या होगा, बोलो, ये हमको क्या होगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 36,360 का हमको क्या हो जाएगा। So explain assumption and reasoning behind your advice, because the above analysis clearly shows that there is a incremental profit of rupees 36,360. So we should go with advertisement.
एडवर्टीजमेंट, तो हमारा ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सही है सर, परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, ये सब ऑल ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चन है, ए प्लस प्लस कैटेगरी क्वेश्चन है, ऑल ऑल ए कैटेगरी क्वेश्चन है।